मम्मी ये कैसे घर पे मेरा शादी करवाने जा रही हो? पूरा भिखारी जैसा माहौल है, कोई कुछ ना कुछ डेकोरेशन नहीं किया। हाँ बेटा तूने सही बोला, हमारा मान मर्यादा सब डूब जाएगा। अरे बेटा चिल्लाओ मत, डेकोरेशन सब हो जाएगा। असल में क्या है ना, उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कुछ नहीं हो पाया। अब थोड़ी देर रुको ना, सब इंतजाम हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस हो गया जितना बोलना था आपको। मम्मी मुझे शादी नहीं करना, चलो यहाँ से। अरे रुकिए ना, अरे रुकिए। मैंने सपना देखा कि डेकोरेशन ना होने के कारण मेरी शादी टूट गई। अरे यार तू रो मत, तेरी संगीत की डेकोरेशन ना मैंने पहले से ही सेट करके रखी है। क्या आपको भी देखना है ना, तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप लोग भी आ जाओ। संगीत डेकोरेशन के लिए पहले एक थर्मोकॉल ले लो और थर्मोकॉल के ऊपर स्केल और पेंसिल की मदद से एम ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद एम के अकॉर्डिंग कट कर लो। अब सेम तरीके से जी ड्रॉ कर लो और जी के अकॉर्डिंग कट कर लो और फिर लव ट्रायंगल वाला साइन ड्रॉ करो और उसे भी कट कर लो। तो दुल्हा दुल्हन का फर्स्ट लेटर रेडी हो गया विथ लव। और फिर इसके ऊपर रख दो इस तरीके का लाइट्स और फिर लाइट्स को डबल साइडेड टेप की मदद से चिपका दो। तो लो हो गया हमारा संगीत स्पेशल डेकोरेशन। बाहर तो ऐसा दिखाता है जैसे कि बहुत तबीयत खराब है, उठ नहीं सकता, और अंदर ही अंदर तो तूने बहुत पैसा कमा लिया। ऐसा ऐसा किधर है मेरा? मुझे तो मालूम नहीं। मालूम नहीं तो फिर कैसे दे रहा है अपनी बेटी की शादी इतना धूमधाम से? कहाँ से आया इतना पैसा? वो मैंने किए है, मेरे सारे जेवर बेचते। और वैसे मेरी बेटी की शादी है और उसकी इच्छा थी कि जो जो रस्में है कि सब होगा और हम माँ बाप होने के नाते कर रहे हैं। चाय पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। मम्मी। हाँ आई। बेटा सब ठीक है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है, पर मम्मी एक रिक्वेस्ट थी। क्या हुआ बेटा बोल। एक्चुअली संगीत में थोड़ा सा बैक डेकोरेशन होता तो ना अच्छा होता, घर बहुत पुराना है और सब डांस वांस भी करेंगे। डेकोरेशन? ओह यस। तेरी बुआ को भी दिखा दूंगी कि बेटी की शादी कैसे देते हैं। इतना कुछ कर रही हो और ये नहीं कर सकती? जरूर हो जाएगा बेटा, फिर ठीक। संगीत डेकोरेशन के लिए पहले हम कार्डबोर्ड लेंगे और कार्डबोर्ड को एक चुटकी से ऐसे एक फ्रेम बना लेंगे। अब ले लेंगे इस तरीके का रेड पेपर। अब पेपर को बहुत सारा फोल्ड करके छोटा बना देंगे और इसके ऊपर राउंड ड्रॉ करके राउंड के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब एक एक करके इस पेपर को हाथ के ऊपर रखो और एक उंगली की मदद से ऐसे प्रेस करो, फिर इसके पीछे लगा दो ग्लू और इस फ्रेम में चिपका दो। बस इसी तरीके से पूरे फ्रेम को फिलअप कर दो ऐसे और एक बना लो। अब डेकोरेट करने के लिए पहले तो एक ऐसा फ्रेम बना लो और फिर कपड़े से ऐसे फ्रेम को कवर कर दो, फिर इसके ऊपर ये दोनों फ्रेम को डबल साइडेड टेप की मदद से चिपका दो। कितना सुंदर दिख रहा है ना? एक फोटो जोन भी नहीं है शादी स्पेशल। एक भी फोटो अच्छा नहीं आया। सब कुछ अच्छे से हो गया ना? सब कुछ अच्छे से हो गया। टेंशन में अरे वो देखिए, ले जा रही है ऐसा ही है। बुलाना उसे। अरे इधर आ जाना, क्या सेल्फी खींचती रहती है हमेशा हमेशा। बैठ उधर, फोन लेकर क्या करिए, हम इधर गाना गाएंगे ना। सेल्फी नहीं उठाऊंगी तो क्या उठाऊंगी ना। यहाँ पे भी चालू हो गया। खैर छोड़, हम लोग गाना गाते। नहीं हमें नहीं, तू उठा, तू अपना उठा, छोड़ना यार उसे। हम क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे। पता बोले ना इसका कहीं पे भी अच्छा नहीं। हाँ घूमती रहे जगह। अरे यार रो क्यों रही है? एक भी फोटो अच्छा नहीं हुआ, क्या डेकोरेशन किया है सर आ जाता है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छे फोटोज के लिए अच्छे डेकोरेशन।
शादी तो एक बार ही होती है, फोटोज ही मेमोरी बनकर रह जाती है। यार तू तो जितना आसानी से बोल रही है उतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा है इसमें। हो जाएगा, बहुत आसान है सच्ची। पहले तो डेकोरेशन किया हुआ मटका ले लो और मटके के गले में एक माला डाल दो, सेम तरीके से और एक बना लो। तो जहाँ संगीत का डेकोरेशन करोगे वहाँ पे एक मैट रख दो और मैट को येलो कपड़े से ऐसे कवर कर दो और फिर चार इस तरीके का बड़ा बड़ा बैम्बो लेकर आओ और इस तरीके से सेट कर लो। अच्छे से सेट करने के बाद एक चमकीला पीला कपड़ा लेकर ऐसे सेट कर दो और साइड में जो गैप है यहाँ पे और एक कपड़े लेकर कवर कर दो और फिर यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल पत्ते से डेकोरेशन कर दो, फिर यहाँ पे ऐड कर दो कुछ फूल और ये जो पूरा सेटअप हुआ है इसके अंदर कुछ कुशंस डाल दो और वो जो मटके हमने बनाए थे वो मटके से ऐसे डेकोरेशन कर दो। तो लो बन गया हमारा संगीत स्पेशल DIY फोटो जोन। लिपस्टिक खराब हो गया है। No! मेरा लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट ला कर देना। 5 minutes later. अरे ऐसे कैसे गुम हो जाएगा, एक बैग में ला कर दे। A few moments later. ये मेरी बीवी है ना, इसलिए देखना पड़ेगा ना किसके पास बैठी है। यू, ये चीप क्वालिटी का बैग, ओ माय गॉड, कितने गंदा है, ये सूट के साथ मैच नहीं कर रहा, किसका है ये? अरे तू चुप कर, ठीक है? तू हमेशा कुछ ज्यादा ही करती रहती है, ठीक है? ये लो। अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला? पहले एक इस तरीके का छोटा प्लास्टिक बॉक्स लेके उसके ऊपर अच्छे से ग्लू लगा लो, देन इस तरीके का सीक्वेंस सेट कर दो। ग्लू के ऊपर अच्छे से सीक्वेंस सेट करने के बाद हॉट ग्लू की मदद से एक इस तरीके का गोल्डन मोती लगाए हुए लेस लेकर ऐसे सेट करते जाओ। देन एक इस तरीके का वायर लेके उसके एक साइड को ऐसे मोड़ लो और उसके अंदर मोतियां डाल के ऐसे वायर को फुल कवर कर लो। अब बॉक्स को खोल के इस वायर को बॉक्स के अंदर ऐसे फंसा दो और बॉक्स को बंद करने के बाद देखो, हमारा ये ब्यूटीफुल क्लच बैग बिल्कुल तैयार है। अब जाओ इसे ब्राइड को दे दो। अरे तू डांस नहीं करेगी? नहीं यार, मन नहीं कर रहा है। बाय द वे, तेरा फियांसे कहाँ गया? अरे उसका एक दोस्त आया है, उसी से ही बात कर रहा है। अच्छा। इसे क्यों बुलाया तूने? हाँ इसे ना, जब भी मैं देखती हूँ सिर से पैर तक ऐसे जलने लगते हैं मेरे। पर क्यों? दिख नहीं रहा है? हाँ कितने सुंदर सुंदर हेयर एक्सेसरीज लगा के सारे लड़कों के अटेंशन लेने की कोशिश कर रही है। अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, हमारे पास उतना पैसा कहाँ कि इतने अच्छे अच्छे एक्सेसरीज खरीदे, हमें तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। चल ना डांस करते हैं। नहीं यार मैं नहीं जाऊंगी, अब तो हद ही हो गया। तुझे जाना है तो जा, मुझे परेशान मत कर। मैं उसे जब भी देखूंगी ना तो मैं उसे सच में मर्डर कर दूंगी। तेरा जो मर्जी है वो कर, मैं चला।
तो हेयर एक्सेसरीज बनाने के लिए एक वायर ले लेंगे और वायर की एक साइड हम ऐसे मोड़ देंगे और दूसरे साइड से एक एक करके मोतिया डालते जाएंगे और इस वायर को फिल कर लो और फिर बाकी के वायर को ऐसे काट दो और फिर अगेन इसे मोड़ लो। फिर और एक हम वायर लेंगे और वायर में अगेन मोती डालेंगे, पर इस बार उस मोती से थोड़ा छोटा वाला लेंगे। फिर ये जब कवर हो जाए ना, तब एक्सेस वायर को काट दो और फिर इसके मुंह को भी मोड़ लो। अब हम छोटा सा रिंग ले लेंगे और रिंग के अंदर इन दोनों मुंह को ऐसे फंसा देंगे। तो भाई सेम तरीके से दूसरे साइड में भी कर लो। अब दो बॉबी पिन ले लेंगे और बॉबी पिन को इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर देंगे। तो लो हो गया हमारा हेयर एक्सेसरीज। No. अरे ये जूते तो फट गए हैं। तू ना एक काम कर और एक जूते लेकर आ। हाँ लाई। A few moments later. अरे ये कैसे जूते लेकर आई तू? हाँ ब्राइड है, थोड़ा अच्छा वाला लेकर आना चाहिए ना। एक तो उसके पैर बहुत बड़ा है, यही होता है। और ये जूते लड़के वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हाँ हाँ oh, yeah! चल अपना नेकलेस दे। नहीं इज्जत गवाना नहीं है ना, तो फिर दे। पर इससे क्या करोगे? देख ले। तो इसके लिए पहले अपना जो नेकलेस है उसे ले लो और उसे ऐसे दो टुकड़ों में कट कर लो। देन अपना जो जुत्ती है उसे लेकर उसके ऊपर लगाओ हॉट ग्लू और सेट कर दो ये कटिंग किया हुआ नेकलेस। हो गया। अब चुटकी से दूसरे को भी कम्प्लीट कर लो। देखो हो गया। वेडिंग सीजन में बजट के अंदर बहुत अच्छे से संगीत मनाना चाहते हो ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो क्या सोच रहे हो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, इससे आपके पैसे बच जाएंगे और अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं ना उन लोगों के साथ शेयर भी कर दो। और प्लीज यार नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से।